नमस्कार, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 मई 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना? तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना किस राज्य ने शुरुआत करी है? बिहार ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, ये जो योजना है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत 5 लाख के अप टू 5 लाख रुपीज़ का ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और ये जो स्कीम है, इसके लिए एलिजिबल वही लोग होंगे जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। कौन सा स्कीम है? आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। इसके लिए अगर एलिजिबल आप नहीं हो तो बिहार सरकार का जो ये स्कीम है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसमें भी काफ़ी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे आपका एक हेल्थ आईडी बिहार सरकार द्वारा बनाया जाता है, वो आपके पास होना चाहिए। और वो लोग जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंडर आते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए एलिजिबल हैं, उन लोगों के लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस, ये स्कीम लाई है बिहार सरकार ने। और कहा जाता है कि ऐसे बिहार में करीबन 89 लाख कह सकते हैं, ठीक है, 89 लाख लोग हैं इस स्कीम के लिए एलिजिबल, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि जो आयुष्मान भारत जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसके तहत अगर लोग नहीं आते हैं, इसमें के लिए जो एलिजिबल नहीं है, उनके लिए बिहार सरकार ने ये मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लेकर आई है। और बिहार सरकार ने कहा है कि इसी मंथ के 15 तारीख से, यानी 15 मई से ये शुरुआत हो जाएगा इस योजना के तहत लोगों को बेनिफिट पहुंचाने का। नेक्स्ट है, हाउ मच अमाउंट विल बी स्पेंट ऑन कनेक्टिंग बिहार म्यूज़ियम टू पटना म्यूज़ियम? बिहार संग्रहालय को पटना संग्रहालय से जोड़ने पर कितनी राशि खर्च की जाएगी? तो देखिए, बिहार म्यूज़ियम जो है वो एक नया म्यूज़ियम है जो कि पटना में ही बना हुआ है, लेकिन पटना म्यूज़ियम काफ़ी पुराना म्यूज़ियम है। ये भी आपको पटना में ही मिलेगा, लेकिन पटना म्यूज़ियम जो है ये आपको गांधी मैदान के साइड में मिलेगा, लेकिन बिहार म्यूज़ियम आपको इधर बेली रोड के साइड में मिलेगा, हाई कोर्ट के पास आपको ये बिहार म्यूज़ियम मिलेगा। और बिहार म्यूज़ियम एक वर्ल्ड क्लास का बनाया गया है, काफ़ी मतलब फॉरेन कंट्री से इंजीनियरिंग भी लाई गई है वहाँ पे, स्ट्रक्चर इसको बनाया गया है, काफ़ी मतलब इंटरनेशनल लुक दिया गया है इस बिहार म्यूज़ियम का, ठीक है। तो यहाँ से आइडिया यही है बिहार सरकार का कि अगर कोई बिहार म्यूज़ियम घूमने आए, विज़िट करने आए, वो साथ में पटना म्यूज़ियम ही विज़िट कर ले सेम टिकट पे, ठीक है, सेम टिकट पे पटना म्यूज़ियम भी विज़िट कर ले, वो अंदर अंदर ही एक कनेक्टिंग रास्ता बनाया जाएगा। विच कंट्री हैज़ डिप्लॉयड एन आर्मी डॉल्फिन्स इन द ब्लैक सी? किस देश ने काला सागर में डॉल्फिन की सेना तैनात की है? तो ये ब्लैक सी किसके नज़दीक है? ऑब्वियसली ये यूक्रेन के नज़दीक है और रसिया के। तो ये कहाँ पे किया गया है? रसिया ने यह डिप्लॉय किया है। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। क्योंकि रसिया को कहीं ना कहीं डर है कि कुछ ऐसा ना उधर से चले, यानी कि कुछ इसकी नेवी को कुछ हानि ना पहुंच जाए, रसियन नेवी को, इसलिए क्योंकि यूक्रेन काफ़ी ज़ोरदार टक्कर दे रहा है और अभी तक युद्ध चल रहे हैं, लोगों ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, या इनफैक्ट रसिया ने भी इतना वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूक्रेन इतना ज़्यादा टिकेगा, ठीक है।
लेकिन काफ़ी ज़्यादा रसिया को बर्बाद कर चुका है यूक्रेन। हाँ वो तो अलग बात है कि यूक्रेन तो बर्बाद होना था, वो तो पता ही था, सब लोगों को मालूम था कि यूक्रेन को तो बर्बाद होना ही है, क्योंकि यूक्रेन तो ऑब्वियसली छोटा देश है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है उस मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ऑब्वियसली इसका तो काम तमाम होना ही था। लेकिन रसिया का भी काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिला है, ये एक बड़ी बात है। तो ये रसिया आंसर करेक्ट होगा। देखिए डॉल्फिन्स का सेना इसलिए क्योंकि डॉल्फिन्स को ट्रेंड करना थोड़ा इजी होता है बाकी के क्रिएचर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि डॉल्फिन्स जो है इंसानों के हाव भाव को जल्दी पकड़ लेता है, जल्दी कैचअप कर लेता है। तो डॉल्फिन्स को ट्रेंड करके, यानी जिस तरह से उस पर कैमरा लगा दिया गया है, उस पर कुछ उस तरह के विस्फोटक पदार्थ भी लगा दिए जा सकते हैं डॉल्फिन्स पे, ठीक है। ऑब्वियसली डॉल्फिन्स वहाँ पे अगर विस्फोटक पदार्थ कुछ लगाए गए हैं तो डॉल्फिन्स ऑब्वियसली वहाँ पे मरेगी, एक तरह से सुसाइडल बॉम्ब की तरह काम करेगी। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड गोल्ड मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर सीनियर्स एंड द एल्डरली। किस बैंक ने वरिष्ठों और बुज़ुर्गों के लिए मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया है? तो वर्ल्ड गोल्ड ये एक ऐसा मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो सीनियर सिटीजन्स इसको काफ़ी आसानी से इजीली एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ दी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट? तो एक कमीशन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? यह है विजय शंपला। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज़ रिसीव्ड दी इंडिया फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड? किस दवा कंपनी को इंडिया फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है ग्लेनमार्क कंपनी को। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और यह 7th एडिशन एनुअल अवार्ड सेरेमनी था ये, ठीक है। और इसमें जॉइंटली किसने ऑर्गेनाइज किया था इस अवार्ड सेरेमनी को? ये ज्वाइन किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, फिर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, ऑब्वियसली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, एंड एक लास्ट फिक्की। इन तीन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इस अवार्ड सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें ग्लेन मार्क को दिया गया इंडिया फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड का से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, एल एंड टी लार्सन एंड ट्यूब्रो हैज साइंड अ पैक्ट विद विच IIT टू को रिसर्च एंड डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी? तो LND ने ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के सह शोध और विकास के लिए IIT के साथ, किस IIT के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए ग्रीन हाइड्रोजन यानी जब हाइड्रोजन को हम जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से गुजारते हैं ना, तो इसमें क्या है ना कि नेचुरल हाइड्रोजन आता है जिसमें कि कार्बन बिल्कुल ज़ीरो होता है, कार्बन ज़ीरो होता है। और आपको पता होगा हमारा टारगेट है, PM मोदी ने ये अनाउंस किया है कि हमारा टारगेट है कि 2070 तक भारत होगा नेट ज़ीरो, नेट ज़ीरो कार्बन, सॉरी नेट कार्बन ज़ीरो होगा भारत, ठीक है। ये ग्लासगो में अनाउंस किया था PM मोदी ने। तो इसके तहत ही हम आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे लार्सन एंड ट्यूब्रो भी एक कंपनी है हमारी, तो इसने साइन किया है IIT के साथ। तो कौन सा ये IIT है? IIT बॉम्बे। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद NHLML फॉर डेवलपमेंट ऑफ 7 रोपवे प्रोजेक्ट्स। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने 7 रोपवे परियोजना के विकास के लिए NHLML क्या है? यह नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, यह है NHLML के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो किस कौन सा ये राज्य है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो हिमाचल प्रदेश में ये 7 रोपवे बनाए जाएंगे। रोपवे प्रोजेक्ट्स आपको पता होगा टूरिस्ट के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है रोपवे। और पहला पैसेंजर रोपवे, यानी पैसेंजर को अप एंड डाउन ले जाने ले आने के लिए ये जो रोपवे बनने वाला है, देश का, भारत का पहला ऐसा रोपवे जो कि लोगों को ले जाएगा, लाएगा, मतलब एक तरह से बस की तरह वो काम करेगा। तो ये बनने वाला है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बाकी तो हमारे देश में जो भी रोपवे हैं वो टूरिस्ट के पर्पस से है। आपको, आपने देखा होगा पहाड़ों पे ये बस लगाया जाता है जहाँ पे घूमते हैं। रिसेंटली झारखंड के देवघर में एक हादसा भी, एक्सीडेंट भी हो गया इसी रोपवे पे, ठीक है। तो वो हादसे कभी कभी हो जाते हैं किसी की इरिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण। तो हिमाचल प्रदेश का ज़िला है कांगड़ा ज़िला, कुल्लू ज़िला और चंबा ज़िला, ठीक है। फिर है सिरामौर, फिर बिलासपुर, इन सब में ये 7 रोपवे प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। बिहार की बात करो तो बिहार का पहला रोपवे आपको मिलेगा राजगीर में, ठीक है। और दूसरा, सेकंड रोपवे आपको कहाँ मिलेगा? बांका में। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नैशकॉम? तो नैशकॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है कृष्णन रामानुजन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कौन है? कृष्णन रामानुजन। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? इनके पहले कौन थे यहाँ पे? रेखा एम मेनन, इनको रिप्लेस किया है कृष्णन रामानुजन ने। नैशकॉम क्या है? नैशकॉम एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका फुल फॉर्म ही आप समझ सकते हो, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ठीक है। ये है नैशकॉम, इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। नेक्स्ट है, विच विलेज हैज़ बिकेम इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत? तो कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है, ठीक है, जहाँ पे कार्बन बिल्कुल ज़ीरो है ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये कौन सा पंचायत है, कौन सा ये विलेज पंचायत है? इस विलेज पंचायत का नाम है पल्ली। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपको पता होगा कुछ गांव मिलकर, मतलब ग्रुप ऑफ सम विलेजेस एक पंचायत बनाते हैं, ठीक है। और पंचायत भी किसी कोई एक गांव का रहता है, उसमें जो सबसे बड़ा गांव होता है, यानी कि थोड़ा पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा गांव आप अगर देखो तो उस गांव को लेकर उस गांव को पंचायत के नाम दिया जाता है, या फिर किसी दो गांव को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, किसी दो गांव को जोड़कर बोला जाएगा कि दिस एंड दिस पंचायत, ठीक है। तो इस तरह से पंचायत का नामकरण से होता है इस तरह से। तो इसी तरह से पल्ली पंचायत बन चुका है, यानी कि इस पंचायत में पूरी तरह से पावर जो है वो सोलर एनर्जी से यूज़ किया जा रहा है,
ठीक है, सोलर एनर्जी का यहाँ पे कंप्लीट तरीके से यूज़ किया जा रहा है पल्ली गांव में। पल्ली गांव में करीबन 1500 सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, ठीक है, जिससे कि 500 किलोवाट सोलर पावर प्लांट यहाँ पे लग चुका है, यानी 500 किलोवाट का यहाँ पे बिजली उत्पादन हो रहा है सोलर से ही, ठीक है। और इसमें करीबन कितने खर्च आए हैं, 2.75 करोड़ रुपए, ठीक है, 2,75,000 रुपए इसमें खर्च हुए हैं। और इसके साथ ही ये पल्ली जो विलेज पंचायत है वो बन चुका है देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत, ठीक है। तो पल्ली पंचायत है किस राज्य में, क्या किस यूटी में या फिर किस डिस्ट्रिक्ट में, तो पल्ली जो है ना ये आपको मिलेगा सांबा डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, सांबा डिस्ट्रिक्ट में। और ये सांबा डिस्ट्रिक्ट किस राज्य का है, तो ये यूनियन टेरिटरी का है, जम्मू एंड कश्मीर में आपको मिलेगा सांबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और ये सब क्या किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है उसके अंडर ही ये कार्बन न्यूट्रल पंचायत यहाँ पे बनाए गए हैं। एक है जो ग्राम ऊर्जा स्वराज, इस स्कीम के तहत ही ये सारा कुछ अचीव किया गया है। यानी डायरेक्टली कह सकते हैं कि पल्ली विलेज पंचायत आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री एट द पेरिस बुक फेस्टिवल 2022। तो पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में नामित किया गया है। तो देखिए, इस बार जो बुक फेस्टिवल हो रहा है वो हो रहा है पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में हो रहा है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं पेरिस बुक फेस्टिवल। और हर बार किसी न किसी देश को यहाँ पे इस फेस्टिवल में एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के नाम से वहाँ पे बुला इनवाइट किया जाता है। तो इस बार इनवाइट किया गया, यानी 2022 में इनवाइट किया गया है किसको, इंडिया को, जी हाँ भारत को। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एशियाज बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार 2022 बिगेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 शुरू हुआ है। तो ये जो इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी मेला है इसका नाम है आहार 2022, ठीक है। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये किया गया है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और इसको ऑर्गेनाइज किया किसने है, दो एजेंसी है इसके पीछे, एक है एपिडा, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे जो भी एक्सपोर्ट होते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक्सपोर्ट होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एपिडा, आपको मालूम होना चाहिए। और ये इंडस्ट्री, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अंडर आता है एपिडा, ठीक है। और इसके साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन है, वो है ITPO। ITPO है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। तो पिछले साल 2021 में जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था उसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, तो ITPO ने ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ये था आज का करंट अफेयर्स, और ये डेली इसी तरह से रेगुलर जारी रहेगा। सुबह मॉर्निंग में आपको 7 से 8 बजे में ये वीडियो हर दिन मिल जाएगा। तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार से, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।